हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके सामने आए हैं एक न्यू जॉब डिटेल लेकर कि इंडियन नेवी ने निकाली है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि है आपके 10th प्लस ITI अप्रेंटिसशिप के लिए। तो फ्रेंड्स जानते हैं क्या है इस बार इस नोटिफिकेशन में, क्या है इसकी फुल डिटेल, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इंडियन नेवी की नेवल शिप रिपेयर यार्ड कोची की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, जिसमें जो है इनवाइट की गई है एप्लीकेशन ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट मेल या फीमेल के लिए। तो यहां पर जो 1 ईयर ट्रेनिंग जो आपकी रहेगी वो इन ट्रेड में रहेगी और आपकी जो एलिजिबल ITI ट्रेड है वो आपकी यहां पर आपकी दे रखी है, जिसमें आपके बहुत सारे ITI के जो पोस्ट आपकी यहां पर है। इसमें जो है आपकी 121 वैकेंसीज है। उसके अलावा जो 2 ईयर ट्रेनिंग है आपकी फाउंड्री मैन और प्लम्बर की वो भी आपकी है, जिसमें आपके 7 वैकेंसीज आपकी रखी गई हैं। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो 10th क्लास पास होना आपका अनिवार्य है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और जो है आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो कि आपका एग्रीगेट 65% मार्क्स के साथ आपने पास कर रखा हो। एज की बात कर लेते हैं, तो अपर जो एज लिमिट है वो 21 साल रहने वाली है, और ये ध्यान रखिएगा काउंट होगी 1 अक्टूबर 2018 को। SC ST को जो छूट मिलती है, OBC को जो छूट मिलती है वो आपको इसमें मिलने वाली है। यहां पर कुछ बात की गई है एक मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो ध्यान रखिएगा जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए और वजन जो है 45 किलोग्राम से वजन कम नहीं होना चाहिए। आई साइट की बात भी यहां की गई है, चेस्ट की बात भी की गई है, जो चेस्ट है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल रहता है। उसके अलावा जो भत्ता है वो आपको जो रेगुलर जो मिलता है इसमें वो आपको गवर्नमेंट रूल के साथ मिलेगा। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले तो जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म वहां प्राप्त होंगे उसमें क्या है मैट्रिक और ITI एग्जामिनेशन की जो मार्कशीट है आपकी जो मार्क्स हैं उनको नॉर्मलाइज करके एक परसेंटेज निकाली जाएगी, जिससे बेस पर आपका जो है कॉल लेटर आपको रिटन टेस्ट और ओरल एग्जाम के लिए जो है भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन है वो आपको जो फॉर्मेट इन्होंने दिया है उसी फॉर्मेट में आपको भेजना है, और ये सिर्फ बाई पोस्ट ही आपको भेजना है। यहां पर पूरा एड्रेस जो है आपका यहां पर दे रखा है कि 24 जुलाई 2018 से पहले आपका ये दिए गए पते पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या दे रखी है, डॉक्यूमेंट्स की। तो ये डॉक्यूमेंट क्या है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है ये सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपीज हैं वो आपको वहां भेजनी होंगी, जिसमें एक है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 6 कॉपी आपको लगानी है, आपकी SSC या मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट, उसके अलावा ITI की, आपकी कम्युनिटी सर्टिफिकेट की, यदि आप PWD कैंडिडेट है तो वो, यदि आप चैलेंज कैंडिडेट हैं या फिर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो आपका वो आपको भेजना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपलसरी है वो है आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी। तो फ्रेंड्स ये तो आपको वहां पर भेजनी ही होंगी। तो फ्रेंड्स यहां पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना है जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहां आपको अपनी जो फोटो चिपकानी है, और यहां पर जो आपकी पर्सनल डिटेल है सारी की सारी वो आपको सीधे सीधे यहां पर लिख देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां पर है चेक लिस्ट ऑफ एनक्लोजर की, तो जितनी भी कॉपीज आप यहां पर लगाते हैं उन सभी पर आपको टिक लगानी है, और उसके बाद उसको लिफाफे में बंद करके आपको भेज देना है दिए गए पते पर 24 जुलाई 2018 से पहले। तो फ्रेंड्स ये थी इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे ऐसे ही और वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल A24 नॉलेज पे आप जाकर देख सकते हैं। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।